सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। आज मैं कहीं विशेष जगह पर जा रहा हूँ। ये है उसका गेट, ये देखिए, ये है हिरण। इसे नौका विहार कहते हैं। और ये देखिए, पक्षियाँ जल विहार कर रही हैं। और अब मैं बस में हूँ और जा रहा हूँ शेर देखने के लिए। ये देखिए सामने सोया हुआ शेर। और अभी मैं आ गया हूँ बाघ देखने के लिए। बहन जी बुला रही हैं उसको। हम लोग बाहर नहीं जा सकते, दूर से ही देख सकते हैं, बहुत दूर पे है वो। ये है बीमौटी की मिट्टी बोलते हैं इसको। और अभी मैं बस में हूँ, जा रहा हूँ कानेरी गुफा, जो बोरीवली के नेशनल पार्क के अंदर में पड़ता है। तो फाइनली मैं कानेरी गुफा की तरफ चल रहा हूँ। ये देखिए सामने कानेरी लैंडी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। काफ़ी लोग आए हुए हैं, कपल्स भी आए हैं और कुछ लोग जो बुद्धिज्म और अम्बेडकरिज्म से रिलेटेड हैं वो भी आए हुए हैं। ये देखिए मनमोहक दृश्य। और ये है स्तूपा का बोर्ड और सामने है वो बौद्ध गुफा, वो बड़ा सा गेट है। अभी मैं वहाँ पर चलूँगा, आइए देखते हैं। ये सामने गेट रहा और इसके लेफ्ट साइड में ये देखिए बकायदा जो है दरवान की तरह बनाया हुआ है। और हाथी हैं, हाथी का चित्र है। ये उसके बगल में है और जहाँ पर तथागत बुद्ध जो है बौद्ध स्तूप के चारों तरफ बनाए गए हैं। ये देखिए ये धरोहर है बुद्धिस्टों की। और यहाँ से लोकेशन देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी मैं राइट हैंड में जो बौद्ध स्तूप है वो दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए इस बौद्ध स्तूप का जो नीचे का हिस्सा है सर्कल वाला, अगर उसे काट दिया जाए तो यहाँ के ब्राह्मणवादी उसे बोलेंगे कि वो शिवलिंग है। और अगर ये चित्र ना हो जो तथागत बुद्ध की चित्र है उसमें, ये देखिए इसका इतिहास है कि लोग बताते हैं कि ये बुद्ध लेनी जो है वो 2000 वर्ष पहले जो है बौद्ध महाविद्यालय थी। तो मतलब महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यानी कि पूरा भारत जो है पूरा बुद्धमय था। और ये देखिए पत्थरों को काट काट करके कितनी अच्छी नक्काशी की गई है। और ये मैं फाइनली गेट पर हूँ। गेट के दोनों साइड में बड़ी बड़ी जो है तथागत बुद्ध की जो है पत्थरों को काट के मूर्ति बनाई गई है। ये देखिए, और मैं इसमें ढूंढ रहा हूँ कि लिपि, धम्म लिपि वो कहाँ है। ये तमाम प्रकार की अलग अलग मुद्राओं में जो है तथागत बुद्ध की मूर्ति पत्थरों को तराश के बनाई गई है। ये वो अंदर का नज़ारा है। और ऐसा दृश्य जो है महाराष्ट्र के हर एक गुफा में आपको दिखता है, क्योंकि यहाँ के जो बौद्ध राजा थे इस तरह से जो बौद्ध स्तूप बनवाते थे। ये अजंटा में भी दिखेगा, एलोरा में भी दिखेगा, एलिफेंटा में भी दिखेगा। और मैं कभी वहाँ जाऊँगा तो आप लोगों को दिखाऊँगा। ये देखिए चारों तरफ से ये गेट है जिसके अंदर मैं आया हूँ। ये चारों तरफ गजब की चित्रकारी की गई है, वो भी पत्थरों को काट करके। मैंने अभी टच टच किया एक पत्थर को, इतना मजबूत है
कि पूछिए मत। हाँ ये देखिए, मैं जो ढूंढ रहा था धम्म लिपि मिल गई है, और उसके एक साइड में देखेंगे कि चीनी से काटा गया है। तो ये चीनी से कौन काटा होगा, इसे आप समझ सकते हैं कि भारत से बुद्धिज्म को जो नष्ट करने का प्रयास जो लोग किया गया है उन्हीं में से किसी ने काटा है, लेकिन पूरा नहीं काट पाए हैं। और ये फाइनली मैं बाहर आ गया हूँ। बहुत काफ़ी लोग आ जाए हैं, ये कुछ संगठन के लोग आए हैं, मैंने बात किया उनसे जो रेड टोपी लगा के हैं, वो लोग शायद नासिक से आए हैं, कुछ 50 लोग से ज़्यादा हैं। और यहाँ पर कपल्स भी आते हैं, तो कपल्स का तो अपना एक अलग एजेंडा होता है, बाकी बुद्धिस्ट और अम्बेडकराइट आते हैं तो अपनी विरासत को देखने के लिए आते हैं कि हमारी जो 2000-3000 साल पुरानी प्राचीन विरासत है वो कैसी थी। ये देखिए खूबसूरत सा नज़ारा, और ये देखिए मतलब पूरे पहाड़ को अंदर अंदर काट कर ही बौद्ध गुफा बनाई गई है, और तरह तरह से जो है इसका डिजाइन किया गया है, बकायदे जो इसकी सीढ़ियों को भी काट काट करके पत्थरों को बनाया गया है। इसमें एक चीज़ है जो पानी की सप्लाई के लिए नालियों का भी अच्छे तरह से निर्माण कराया गया है, ताकि पानी जो है बारिश हो तो इधर उधर जो है नहीं बह सकता, बल्कि वो उसका अपना एक अलग रास्ता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक दो जगह मैंने देखा है उसको, ये देखिए। और ये जो है इसके लेफ्ट साइड में ये पानी निकलने का है, ये देखिए उस साइड में जो है बोरीवली शहर है। ये देखिए यही मैं दिखा रहा था कि पानी निकलने की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि मतलब ऐसा नहीं कि इधर उधर बारिश हो तो जगह जगह से पानी गिरे, नहीं, उसका एक अलग सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब आज से 2000 वर्ष पहले इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से पानी निकलने की व्यवस्था की गई है। ये देखिए सीढ़ियाँ, ये पहाड़ों को काट के बनाई गई हैं। ये देखिए एक बहुत बड़ा हाल सा है, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ बौद्ध विद्यार्थियों को बैठ करके बौद्ध जो उस समय अध्यापक हुआ करते थे उनको शिक्षाएं देते थे, इस तरह से एक क्लासरूम की तरह है। और ये दोनों बाजू में कमरे बनाए गए हैं जिसमें तथागत बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में जो है पत्थरों को काट करके जो है चित्र बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर भी धम्म लिपि, बहुत ही शानदार लग रहा है, बिल्कुल हरे भरे पेड़ पौधे भी। ये देखिए दूसरे साइड में जो है मतलब कितना टाइम लगा होगा, सोचिए कि पत्थरों को काट करके जो है वो भी पहाड़ के नीचे, ऊपर पहाड़ है अंदर अंदर जो है बौद्ध गुफा बनाई गई है, बिल्कुल घर के जैसा बनाया गया है, सब कुछ है, पिलर है, बीम है, अच्छा सा नक्काशी किया गया है उसमें, और कितना टाइम लगा होगा। बहुत ही शानदार मतलब डिजाइनिंग है इसका, सब जगह आपको बुद्ध मिलेंगे, बाकी कोई और नहीं मिलेगा यहाँ। ये मैं दूसरे साइड में थोड़ा सा ऊपर आ गया हूँ। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर हो, बहुत अच्छा मतलब
पुराने ज़माने का, इस तरह से काट काट करके बनाया गया है।